नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। हम शुरू करने वाले हैं एक नई पुस्तक, तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज, और पाठ संख्या एक का शीर्षक है मेरा नया बचपन। तो चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। यहाँ दी हुई है हमें चित्र पर आधारित गतिविधि। गतिविधि का मतलब आप सब जानते होंगे, एक्टिविटी। तो देखते हैं क्या करना है आपको इसमें। उपयुक्त चित्रों को देखकर आपको अपना बचपन याद आ रहा होगा कि किस तरह आप सारा दिन सिर्फ मस्ती ही किया करते थे, ना पढ़ने की चिंता, ना कोई और फिक्र। आपको अपने बचपन की जो भी अच्छी अच्छी बातें याद हैं, अपनी कक्षा में अपने मित्रों के साथ साझा करें, मतलब उनसे बताएं, उनको भी बताने के लिए कहें, उन्हें भी कहें कि वो भी आपको बताएंगे जो भी उनके बचपन की अच्छी अच्छी यादें हैं। तो ये गतिविधि आपको करनी है और हम आगे चलते हैं। कविता में प्रवेश। बचपन जीवन का सबसे सुहाना समय होता है बच्चों, इससे अच्छा समय पूरे जीवन में हमें फिर नहीं मिलता। बचपन की सरलता, मासूमियत तथा सौम्यता सबका मन मोह लेती है। बचपन की मधुर स्मृतियाँ, स्मृतियाँ मतलब जो हमारी यादें होती हैं, आनंद और अपार हर्ष का अतुलित भंडार होती हैं। इतना ज़्यादा उनमें आनंद होता है, इतनी ज़्यादा हर्ष की प्राप्ति होती है हमें अपने बचपन को याद करने में। इस कविता में कवयित्री अपने बचपन की स्मृतियों में खोई है कि उनकी नन्ही सी बिटिया उसे पुकार उठती है। इस कविता में कवयित्री अपने बचपन को याद कर रही हैं। तो देखते हैं क्या यादें हैं उनके बचपन की। आइए शुरू करते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। तो कवयित्री अपने बचपन को याद करते हुए कह रही हैं कि बचपन मुझे बार बार तेरी याद आती है, तेरी यादें कितनी मधुर थीं, तू मेरे जीवन की सबसे अच्छी खुशी को अपने साथ ही ले गया। क्योंकि अब कवयित्री बड़ी हो चुकी हैं, वो एक स्त्री बन चुकी हैं, अब वो बच्ची नहीं हैं, इसीलिए वो कह रही हैं कि तू मेरे जीवन की सबसे अच्छी खुशियाँ, सबसे मधुर यादें अपने साथ ले गया। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कवित्री कहती हैं कि कोई कैसे भी बचपन के अतुलित आनंद को भूल सकता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता, जिसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। बचपन में हम कितने चिंता रहित होते थे, खेलना खाना यही हमारे काम होते थे, हम कहीं भी निर्भय होकर घूम सकते थे, हमें नहीं पता होता था कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, हम बिल्कुल स्वच्छंद रहते थे, सब हमारे अपने थे, कोई भय नहीं था। उस बचपन के अतुलनीय आनंद को मैं कैसे भुला सकती हूँ, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। बचपन में बिना किसी बात के रोना और मचल जाना, जिद करना, उनमें कितना अधिक आनंद आता था। बचपन में जो हमारी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरते थे, वो ऐसे लगता था जैसे हमने मोतियों की जयमाला पहन रखी हो। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। बचपन में जैसे ही मैं रोती थी, माँ तुरंत ही सारा काम छोड़कर आती थी और मुझे उठा लेती थी। यदि मेरे कपड़े गंदे होते थे तो मुझे झाड़ पोंछ कर और बहुत ही प्यार से चूम कर मुझे चुप करा देती थी, मेरे गीले गालों को सुखा देती थी। बचपन कितना मधुर था, हमें कोई दुख, कोई चिंता, कोई भय नहीं था। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति।
कवित्री अपने बचपन से दोबारा लौट आने के लिए अनुरोध करती हैं कि एक बार आकर मेरे मन की व्याकुल व्यथा को मिटा दो, जो मेरे मन में इतनी बेचैनी है, इतना दर्द है, उसे मिटा दो और मुझे अपनी निर्मल शांति दे दो। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। कवित्री बचपन से कहती हैं कि जो मेरे पास मेरी भोली सी मधुर सरलता थी, जब हम छोटे थे तो हमारा जीवन पापों से रहित था, बिल्कुल निष्पाप था, तो हे बचपन, क्या तू दोबारा आकर मेरे इस मन के दुख को दूर कर सकेगा, क्या तू दोबारा आ सकेगा। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। कवित्री कहती हैं, मैं तो बचपन को दोबारा बुलाने का अनुरोध कर रही थी कि इतने में ही मुझे मेरी बिटिया की आवाज़ सुनाई दी। नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी, और बिटिया के बुलाते ही मेरी यह छोटी सी कुटिया ऐसा लगा मानो अनेक फूलों से भर गई हो, वह नंदन वन बन गया हो जहाँ रंग बिरंगे फूल खिल गए हो। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। कवित्री कहती हैं, जब उन्होंने अपनी बिटिया की ओर देखा तो उन्हें पता चला कि वह मिट्टी खाकर आई है, कुछ तो उसके मुँह पर लगी थी और कुछ वह अपने हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। जब मैंने उससे पूछा कि यह क्या लाई हो, तो उसने अपनी तुतलाती हुई जबान में कहा माँ काओ। मेरा मन उसकी बचपन की तुतलाहट को सुनकर प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया। उसका बचपन देखकर मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा तुम ही खा लो इसे। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। कवित्री कहती हैं कि मैं बचपन को बुला रही थी, लेकिन बचपन तो मेरी बेटी के रूप में दोबारा मेरे पास वापस आ गया था। उस अपनी बेटी की खुशी देखकर, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझे ऐसा मिला जैसे नए जीवन की प्राप्ति हो गई हो। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। कवित्री कहती हैं कि अब मैं अपनी बेटी के साथ ही खेलती हूँ, खाती हूँ और उसी की तरह तो तोतली भाषा में उससे वार्तालाप करती हूँ। उसके साथ मैं भी ऐसा लगता है मानो बच्ची ही बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। कवित्री को बचपन की बहुत दिनों से तलाश थी, वह बार बार उससे अनुरोध करती थी कि वह लौट आए। आज उन्हें ऐसा लगा मानो उसने बचपन को पुनः प्राप्त कर लिया है। वह उन्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन उनकी बेटी के रूप में वह उनके पास फिर से वापस आ गया है। और इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कैसी लगी बच्चों कविता? होता है ना बचपन बहुत प्यारा। तो चलो आगे देखते हैं इस कविता में हमारे लिए क्या क्या अभ्यास कार्य हैं। कठिन शब्द जो आप लिखेंगे बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तिका में, मैं आपके लिए इन्हें पढ़ देती हूँ। मधुर, जीवन, निर्भय, स्वच्छंद, अतुलित, आनंद, निर्मल, व्याकुल, प्राकृत, विश्रांति, निष्पाप, संताप, कुटिया, प्रफुल्लित, मंजुल, मूर्ति, तुतलाना, खोजना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हमें दिए हुए हैं बच्चों शब्दार्थ, शब्द अर्थ। आप इन्हें याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखेंगे। मधुर का अर्थ है मीठा या फिर प्यारा। व्याकुल, बेचैन। बचपन, शैशव, बाल्यावस्था। प्राकृत, विश्रांति, स्वाभाविक,
सुख चैन, चिंता फिक्र बेचैनी, निष्पाप पाप रहित निष्कलंक, निर्भय बिना डर के, संताप गहरी पीड़ा दुख, स्वच्छंद आजाद, नंदनवन देवताओं का वन, अतुलित अतुलनीय अपार बेजोड़, प्रफुल्लित बहुत खुश प्रसन्न, निर्मल साफ शुद्ध, मंजुल सुंदर मन को लुभाने वाली। तो आपने इन शब्द अर्थ को याद करना है और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखना है। अब हम करते हैं बात पाठ की। बताओ क्या पढ़ा? कवित्री को बार बार किसकी याद आती है? कवित्री को बार बार बचपन की याद आती है। क्या आपको भी अपना बचपन पसंद है? इस सवाल का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर आप सब स्वयं देंगे। प्रस्तुत कविता की कवित्री कौन है? प्रस्तुत कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। कविता में आपने क्या पढ़ा अपने शब्दों में बताओ। तो आपको यहाँ अपने शब्दों में बताना है कि आपने कविता में क्या पढ़ा। तो ये दो प्रश्न बच्चों आपको स्वयं इनका उत्तर देना है। चलिए आगे चलते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। कवित्री के जीवन से बचपन क्या ले गया? खेलकूद, रोना, निश्चिंतता, ये सभी। बचपन में कवित्री को ज्ञान नहीं था किस चीज़ का? ऊंच नीच का। बार बार क्या याद आता है? बचपन की मधुर याद कवित्री को बार बार याद आती है। बड़े बड़े मोती से आंसू क्या पहनाते हैं? जयमाला। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली क्या है? प्राकृत विश्रांति। तो चलिए आगे चलते हैं। आप सभी इनको मेरे साथ अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं। कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। यहाँ हमने करनी है कविता की पंक्तियाँ पूरी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ बच्चों हमें ख और ग भी दिया हुआ है। ये हैं कविता की पंक्तियाँ जिन्हें आपने पूर्ण करना है। तो अब आप इसे खुद करेंगे। ये मैं आपको दे रही हूँ गृह कार्य में। अपनी पुस्तक से कविता को दोबारा पढ़ेंगे और इन पंक्तियों को आप पूर्ण करेंगे। उचित मिलान करो। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। ठीक है, आगे चले। मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, भोली सी मधुर सरलता वह प्यारा जीवन निष्पाप, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। तो अब हम इसे मिला भी देते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं बच्चों, या फिर आप सीधा सीधा क ख ग घ भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। कवित्री क्यों चाहती हैं कि उनका बचपन फिर से लौट आए? कवित्री इसीलिए चाहती हैं कि उनका बचपन फिर से लौट आए क्योंकि वह अपने मन के संताप और व्यथा को खत्म कर देना चाहती हैं और एक निर्मल शांति का दोबारा एहसास करना चाहती हैं। कवित्री को बचपन की किन विशेषताओं की याद बार बार आती है? कवित्री को बचपन में बेफिक्री से खेलने, घूमने, खाने पीने और स्वच्छंद होके जीने की याद बार बार आती है। उन्हें याद आता है कि कैसे वह मचल जाती थी और जब रोती थी तो उनकी माँ सारा काम छोड़कर उन्हें आकर चूमती थी और चुप कराती थी। यही सब विशेषताएं हैं जिनकी याद कवित्री को बार बार आती है। वह प्यारा जीवन निष्पाप का आशय स्पष्ट करो। बचपन
बहुत ही प्यारा होता है बच्चों। वह ऐसा होता है कि हम ये मानते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चों के हृदय में, बच्चों के कर्मों में कोई भी पाप मिला हुआ नहीं होता है। इसी कारणवश कहा गया है वह प्यारा जीवन निष्पाप, के बचपन का जीवन बिल्कुल पापों से रहित होता है। उसमें ना कोई द्वेष होता है, ना ईर्ष्या, ना घृणा, ना मोह, ना मद, वह बिल्कुल निष्पाप होता है। कवित्री ने बचपन को अतुलित आनंद देने वाला क्यों कहा है? बचपन इतना ज़्यादा चिंता मुक्त होता है, हर तरह के भय से रहित होता है कि उसमें जो आनंद आता है उसकी तुलना जीवन के किसी भी प्रकार के वर्ग से नहीं की जा सकती है। जीवन में हमारी युवावस्था भी आती है, किशोरावस्था भी आती है और वृद्धावस्था भी आती है, लेकिन कोई भी काल बचपन के जितना आनंद हमें नहीं देता है। इसी कारण बचपन को अतुलित आनंद देने वाला कहा गया है। तो बच्चों, अभी तो आप सब कक्षा 8 में हैं, लेकिन आप जब इससे भी ज़्यादा छोटे होंगे तो आपकी भी बहुत सारी मधुर स्मृतियाँ होंगी जो आपको कई अवसरों पर याद आती होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि बचपन जैसा आनंद और बचपन जैसा काल जीवन में दोबारा नहीं आता। तो आशा करती हूँ कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।